क्या आप जानते हैं कि इंडिया में किस पॉलिटिशियन के पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है? चलिए आज बात करते हैं कांग्रेस लीडर शशि थरूर की। आज करते हैं इनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की R&D। थरूर ने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप समेत टॉप म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है। हलफनामे के मुताबिक कांग्रेस सांसद के पास 55 करोड़ रुपीस की कुल संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति है 49.3 करोड़ रुपीस की, जबकि अचल संपत्ति है 6.75 करोड़ रुपीस की। थरूर ने हेडको टैक्स फ्री बॉन्ड से लेकर RBI बॉन्ड तक में 39 लाख रुपीस से ज्यादा का निवेश किया है। उनका सबसे ज्यादा निवेश भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड्स में है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपीस है। इसके बाद NHAI टैक्स फ्री बॉन्ड्स में 14.43 लाख रुपीस का निवेश किया गया है। टैक्स सेविंग ELSS फंड्स में भी थरूर ने बड़ा निवेश किया है। फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड में 6.98 लाख रुपीस का, एक्सिस ELSS टैक्स सेविंग्स फंड में 8.26 लाख रुपीस का, फंड IDCW में 2.2 लाख रुपीस का, HDFC ELSS टैक्स सेवर में 2.15 लाख रुपीस का, मिराई ELSS टैक्स सेवर फंड में 1.95 लाख रुपीस का और एक्सिस के ही ELSS टैक्स सेविंग फंड ISCW में 3.43 लाख रुपीस का निवेश किया है। कांग्रेस नेता ने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में भी खूब पैसा लगाया है। फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड में 7.57 लाख रुपीस का, ईजल वाइज MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड में 5.01 लाख रुपीस का, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड में 14 लाख रुपीस का, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन अमेरिका अपॉर्चुनिटी फंड में 3.72 लाख रुपीस का, HDFC फ्लेक्सी कैप में 13.19 लाख रुपीस का, ICICI प्रू मल्टी कैप फंड में 14 लाख रुपीस समेत ICICI प्रू हेल्थ केयर फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप में भी काफी अच्छा निवेश किया हुआ है। थरूर के निवेश पोर्टफोलियो में 5 लाख से ज्यादा का बिटकॉइन ETF निवेश भी है। वहीं विदेशी निवेश में 9.33 करोड़ रुपीस की इक्विटी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वैल्यू 3.46 करोड़ है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट अमाउंट 91.7 लाख रुपीस का है। ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स कुल 19.98 लाख रुपीस के हैं और ट्रेजरी सिक्योरिटी कीमत 2 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा थरूर के पास 32 लाख रुपीस का सोना भी है। 2019 में कुल 34,22,585 रुपीस की चल संपत्ति घोषित करी गई थी, जबकि उन्होंने कहा कि उनके पास 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है। साल 2017-18 में उनकी कुल आय 3,66,21,978 रुपीस थी। इस खबर पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।